राजू के मम्मी पापा अपने घर में एक सुंदर नेवले को पाल रखे थे। राजू हमेशा नेवले के साथ खेला करता था और नेवला भी राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। राजू घर से बाहर जाता तो नेवला भी उसके साथ चला जाता था। राजू के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक विषैला सांप रहता था। सांप बड़ा ही बदमाश था, आते जाते लोगों को काट दिया करता था। उसके काटने से लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था और लोग मर जाते थे। और इस तरह उस सांप ने उस रास्ते पर आतंक का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों ने राहगीरों को बचाने के लिए पेड़ पर एक तख्ती लिखकर टांग दी थी और उस तख्ती में लिखा था, कृपया सांप से सावधान रहें। आसपास के लोग सांप के डर से हाथ में डंडे लेकर जाया करते थे। एक दिन सांप चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। रात के 11 बजे राजू अपने कमरे में सोया था और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। नेवला राजू के साथ सोया था। नेवला रात में भी हमेशा चौकन्ना रहता था। सांप राजू के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही राजू को काटने की कोशिश करता है, नेवला सांप की गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और अंत में नेवला सांप को मार देता है। सांप का खून घर के दरवाजे से बाहर की ओर आने लगता है। राजू दरवाजा बंद करके सोया है। उसके मम्मी पापा दरवाजे के बाहर खून देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजू को किसी ने मार दिया। वो लोग दरवाजे को पीटते हैं लेकिन गहरी नींद में सोया राजू जग नहीं पाता। नेवला किसी तरह दरवाजे को खोलता है और बाहर आता है। राजू के मम्मी पापा मन में ये सोचते हैं कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह का विचार आते ही वे दोनों नेवले को पीट पीट कर मार देते हैं। नेवला वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। नेवले की कराह और मम्मी पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजू जग जाता है और अपनी माँ से बोलता है, मम्मी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? राजू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर अवाक रह जाती है। उसको अपने गोद में उठाकर उसका माथा चूम लेती है। राजू के पापा भी कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सांप मरा पड़ा है और उसका खून दरवाजे के बाहर तक आया है। शालिनी देखो ना, इधर सांप मरा पड़ा है। अरे ये तो बहुत ही विषैला सांप लग रहा है। मम्मी मेरा नेवला कहाँ है? मैं रात को जब सोया तो ये सांप मुझे काटने के लिए आया था। नेवला भैया ने सांप को पकड़ लिया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। मैं तो डर की वजह से सो गया लेकिन नेवला भैया ने सांप को मार दिया और मुझे गोद में लेकर सो गए। राजू की बात को सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई हमने उसी की हत्या कर दी। और मरे हुए नेवले को देखकर राजू रोने लगता है। किसने मारा मेरे दोस्त नेवले को, किसने मारा? राजू के मम्मी पापा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और अंदर ही अंदर अपने किए पर पछताते रहते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू हमेशा नेवले के बारे में सोचता रहता है। रास्ते में अक्सर ही दोस्तों से अपने नेवले के बारे में बात किया करता था। अकाल मृत्यु के चलते नेवला और सांप दोनों प्रेत आत्माएं बन जाते हैं। नेवले की आत्मा हमेशा राजू के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक दिन रात को राजू के पास नेवले की आत्मा प्रकट होती है और राजू से कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पीट पीट कर मार डाला, इस बात का मुझे बड़ा ही दुख है। मेरी आत्मा भटकती रहती है, सांप भी अकाल मृत्यु के चलते भूत बन गया है। वो तुम पर हमला कर सकता है लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं उससे तुमको बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। राजू नेवले की आत्मा से प्रेम करने लगता है और नेवले की बात सुनकर मम्मी पापा से रूठ जाता है। जब उसे मनाने की कोशिश वो दोनों करते हैं और तरह तरह के खिलौने राजू को लाकर देते हैं। मेरे दोस्त नेवले को तुम दोनों ने पीट पीट कर मार डाला, तुम दोनों गंदे मम्मी पापा हो, अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्तों को भी पीट पीट कर मार डालोगे। तुम हमें अकेले देखना पसंद करते हो, मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं भी तुम लोगों को पसंद नहीं करूंगा। जाओ, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता। नहीं राजू, खून देखकर हमने सोचा कि नेवले ने तुम्हें मार दिया है, इस भूल में हमने गलती कर दी।
नहीं राजू, मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलते। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे अपने बच्चे की तरह रखा था। अनजाने में मैं मारा गया। मेरी आत्मा हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगी। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा। और अचानक एक दिन सांप का भूत राजू को मारने के लिए आता है। राजू को अपनी पूंछ में लपेट कर हवा में उड़ जाता है। राजू मदद के लिए अपने दोस्त नेवले को याद करता है। सांप जैसे ही राजू को ऊपर ले जाकर पटकना चाहता है, नेवला वहां पहुंच जाता है और राजू को सांप के चंगुल से छुड़ा लेता है। सांप नेवले पर टूट पड़ता है। सांप नेवले को पकड़कर उसे पेड़ के पास ले जाता है जहां वो रहता था। अब तो मेरा जहर और भी तेज हो गया है। देखता हूं मेरे जहर से तुम लोगों को कैसे बचाते हो। इतना कहकर सांप गायब हो जाता है और बहुत से लोगों को काटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लोगों को परेशान देखकर एक तांत्रिक बाबा आते हैं और कहते हैं, एक सांप भूत बन चुका है, वही लोगों को मार रहा है। बाबा, हमें उस सांप के प्रकोप से बचाइए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। तुम लोग परेशान मत हो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा बीन बजाने लगते हैं। बीन की आवाज सुनते ही सांप की आत्मा मदमस्त होकर तांत्रिक बाबा के पास चली आती है और तांत्रिक बाबा बोतल का ढक्कन खोलकर सदा के लिए उसकी आत्मा को उसी में कैद कर लेते हैं और शहर को सदा के लिए सांप के भय से मुक्त कर देते हैं। कहानी भूतिया कुत्ता। पिंटू और पिंटू के पापा मॉर्निंग वॉक से घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सुंदर कुत्ता दिखाई देता है। पापा पापा, ये देखो कुत्ता कितना सुंदर है, चलो ना पापा इसे घर ले चलो। बेटा, ये कुत्ता किसी का पालतू है, जब हम बाजार चलेंगे तो वहां से एक प्यारा सा कुत्ता खरीद कर लाएंगे। लेकिन पिंटू अपने जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार पिंटू के पापा उस कुत्ते को लेकर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कुत्ता पिंटू से इतना घुल मिल जाता है कि जैसे पिंटू को कब से जानता हो। देखा पापा, ये कुत्ता कितना प्यारा है, अगर ये किसी का कुत्ता होता तो कोई न कोई जरूर इसे खोजते हुए आता। पिंटू और कुत्ता खूब मस्ती करते, खेलते कूदते और बड़े ही प्यार से रहते। पिंटू तो उस कुत्ते को सिर्फ एक जानवर समझ रहा था, लेकिन असलियत में वो एक भूत था। रात के 12 बजे कुत्ता घर से निकलता, आदमी का रूप बनाकर अमीर लोगों के घर जाता। जिस घर में अच्छे नस्ल के कुत्ते रहते, वो कुत्ता उन अमीर घर के कुत्तों को काटकर मार डालता। पूरे इलाके में हाहाकार और पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को जल्द से जल्द कुत्तों के कातिल का पता लगाने के लिए बोलता है। पुलिस रात को पहरा देना शुरू कर देती है, लेकिन कुत्तों की हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। और एक दिन रात के 12 बजे अचानक से पिंटू की आंख खुलती है और वो अपने कुत्ते को घर से बाहर जाता हुआ देखता है। पिंटू अपने पापा के पास जाकर कुत्ते के जाने की बात कहता है। पिंटू के पापा पिंटू के साथ कुत्ते को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपना कुत्ता एक धनी आदमी के घर में जाता हुआ दिखाई देता है। पिंटू बेटा, चलो हम उसके पीछे चलते हैं, हम देखते हैं कि वो कहां जा रहा है। पिंटू के पापा और पिंटू अपने कुत्ते के पीछे पीछे घर के गेट तक पहुंचते हैं। गेट पर चौकीदार सोया हुआ रहता है। कुत्ता गेट के नीचे से अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही आदमी बन जाता है। उस आदमी का शरीर हरा हो जाता है और उसके पैर उल्टे रहते हैं। अब वो भूत बन चुका कुत्ता घर के बंधे हुए कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन काट देता है। ये देख पिंटू के पापा सारा माजरा समझ जाते हैं कि कुत्तों को मारने वाला कोई और नहीं, यही है। अब पिंटू के पापा थाने में फोन करके सारी बात बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसके अंदर वो भूत कुत्ते का खून पी रहा होता है। तुम जो भी हो,
अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अपने हाथ ऊपर करो और चुपचाप बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर के कई बार बोलने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। अब हमारे सिपाही अंदर जा रहे हैं और तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर सिपाहियों को आदेश देता है और सिपाही गेट के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि सामने वो आदमी खड़ा है जिसने कुत्ते को मारा। उसके मुंह पर खून ही खून लगा हुआ है। सिपाही उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन जब उसकी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ती है तो वो डर जाता है। भाई, इसके तो पैर उल्टे हैं, ये कोई इंसान नहीं, ये भूत है, भूत। इस पर किसी गोली का असर नहीं होगा, चलो यहां से चलते हैं। अरे कोई भूत वूत नहीं होता, अभी मैं इसको मौत के घाट उतारता हूं। ओए हत्यारे, मरने के लिए तैयार हो जा। तू दूसरों को तो नकली उल्टे पैर लगाकर डरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इतना कहकर वो सिपाही गोली चला देता है, लेकिन ये क्या, गोली तो उस हत्यारे के आर पार हो जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, ये भूत ही है, अब तो मानेगा ना मेरी बात, चल भाग चल यहां से। इतना कहकर सिपाही भागने लगते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते, उनके पैर जाम हो चुके हैं। पहला सिपाही अब समझ जाता है कि उनका मरना निश्चित है। दूसरा सिपाही अभी भी भूत पर गोली चलाता है और इतने में वो भूत आकर सामने खड़ा हो जाता है और दूसरे सिपाही की गर्दन काट देता है। अपने साथी सिपाही की गर्दन कटता देख पहला सिपाही और भी डर जाता है। धीरे धीरे वो भूत पहले सिपाही को छोड़कर सभी सिपाहियों की गर्दन काट देता है और अंत में बचे हुए सिपाही के पास पहुंचता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुझे मेरे बारे में पता चल गया था और तू बार बार यहां से जाने के लिए बोल रहा था। मुझे मेरे काम में रुकावट डालने वाले पसंद नहीं। तूने अपने साथियों को समझाया लेकिन किसी ने तेरी बात नहीं मानी और सबको मैंने मार डाला। अब बता, तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तुम इतने ही अच्छे हो तो हत्या करना छोड़ क्यों नहीं देते? मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैं तो केवल बड़े घर के कुत्तों को मारना चाहता था। तुम बड़े घर के कुत्तों को क्यों मारना चाहते थे? उन कुत्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मैं जिंदा था तो मेरे पास विदेशी नस्ल के कुत्ते रहते थे और मैं उनके बच्चों को बेचकर अपना व्यवसाय चलाता था। एक बार क्या हुआ कि कुत्तों की बीमारी ऐसी आई कि मैंने जितने भी बच्चे बेचे थे वो सब बीमारी की चपेट में आकर मर गए और जो लोग बच्चे खरीद कर ले गए थे सभी लोगों ने मुझे बहुत मारा। बल्कि मैंने उन्हें उनका पैसा लौटाने के लिए बोला था लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और ज्यादा खून बहने की वजह से मैं मर गया। जब मैं मर गया तो इन लोगों ने मुझे मेरे घर के पास ही गाड़ दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा और तुम्हें मुक्ति भी दिलवाऊंगा। इतना कहकर सिपाही भूत के घर जाता है और जमीन खोदकर उसके कंकाल को निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भूत को मुक्ति मिल जाती है और सभी लोगों को शांति। नरेश गुप्ता का तबादला सहारनपुर के पोस्ट ऑफिस में होता है, जिसकी वजह से राहुल को भी अपने पापा के साथ सहारनपुर आना पड़ता है। राहुल का एडमिशन पास के स्कूल में हो जाता है। राहुल के पापा उसके ट्यूशन के लिए पड़ोस के सिंघानिया जी से पूछते हैं। अरे सिंघानिया जी, यहाँ कोई अच्छे ट्यूशन टीचर होंगे? ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। देखिए, वैसे ही 2 महीने बाद राहुल का एडमिशन हुआ है, पढ़ाई छूट रही है राहुल की। अरे जी एकदम है जी, बहुत बढ़िया टीचर हैं। चलिए मैं आपको मिलवा देता हूँ, मेरा सोनू भी वहीं ट्यूशन पढ़ता है। ये तो और भी बढ़िया हो जाएगा, सोनू और राहुल साथ साथ ट्यूशन पढ़ने जाया करेंगे। चलिए सिंघानिया साहब, आप उस टीचर से मिलवा दीजिए। नरेश गुप्ता सिंघानिया साहब के साथ ट्यूशन टीचर से मिलने जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो रास्ता सुनसान गली से होकर गुजरता है और फिर एक बड़े से ग्राउंड में जाकर निकलता है।
ग्राउंड में पहुंचकर सिंघानिया साहब बोलते हैं, देखिए नरेश जी, ग्राउंड के उस तरफ है टीचर का घर, चलिए चलते हैं। नरेश गुप्ता सिंघानिया जी के साथ चलने लगते हैं। अचानक उन्हें सड़क के दोनों तरफ हड्डियां नजर आती हैं। हड्डियों को देखकर उन्हें अजीब सा लगता है, फिर भी वह सिंघानिया साहब के साथ चलते रहते हैं और थोड़ी ही देर में टीचर का घर आ जाता है। टीचर से मिलने के बाद नरेश और सिंघानिया साहब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और अगली सुबह नरेश पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और जाते जाते राहुल से ट्यूशन जाने के लिए बोलते हैं। अब बेटा राहुल, देखो शाम को 6 बजे तुम्हें ट्यूशन जाना है, सिंघानिया साहब का लड़का भी वहीं पढ़ता है, तुम दोनों साथ साथ जाया करना। जाओ, जाकर सोनू से मिल लो, दोस्ती कर लो उससे, ठीक है? मैं चलता हूं। अच्छा पापा, ठीक है। शाम का समय राहुल और सोनू ट्यूशन के लिए निकलते हैं। राहुल के ट्यूशन का पहला दिन था। नई जगह पर नए टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने में थोड़ी हिचक रहती है। राहुल थोड़े उदास मन से सोचते हुए ट्यूशन टीचर के घर की तरफ बढ़ रहा था। लखनऊ में कितना बढ़िया था, कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे टीचर थे, मैं अपने दोस्तों के साथ कितना खेला करता था, लेकिन यहां सहारनपुर में पता नहीं वो सब मिल पाएगा या नहीं। यही सोचते हुए राहुल के कदम धीरे धीरे ट्यूशन टीचर के घर की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक राहुल को सड़क के दोनों तरफ हड्डियां दिखाई देती हैं। राहुल एकदम से डर जाता है और सोनू से पूछता है, सोनू यहां इतनी हड्डियां? भाई मुझे तो डर लग रहा है। कितना डरते हो तुम राहुल, ये कुत्तों का काम है, यहां बहुत कुत्ते हैं, वही यहां हड्डियां लाकर खाते हैं और छोड़ देते हैं, मैं तो हमेशा यहां हड्डियां देखता हूं। चलो चलो चलते हैं, हमें ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। इसके बाद सोनू और राहुल टीचर के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर राहुल बहुत खुश हो जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी खुशी देखकर सोनू पूछता है, क्या बात है राहुल, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, हमें भी तो बताओ। हाँ यार सोनू, मैं लखनऊ में जैसे ट्यूशन सेंटर में पढ़ता था ना, ठीक वैसा ही यहाँ भी माहौल है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और थोड़ी ही देर के बाद क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं। टीचर बच्चों को बैठने के लिए बोलते हैं। उसके बाद टीचर बच्चों को मैथ पढ़ाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद राहुल को ऐसा लगता है जैसे आसपास के बच्चे अजीब लग रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके पीछे के सारे बच्चों की आंखें लाल और चेहरे डरावने हो चुके हैं। राहुल अपने बगल में मुड़कर देखता है तो सोनू का भी चेहरा भूतिया हो चुका है और अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। राहुल चिल्लाता हुआ टीचर की तरफ भागता है, टीचर टीचर मुझे बचा लीजिए, यहां सब बच्चे भूत बन गए हैं, भूत, मुझे बचा लीजिए टीचर। टीचर मुस्कुराता हुआ मुड़ता है, अरे कहां है भूत, कौन सा बच्चा भूत है, यहां तो कोई भूत नहीं है, सपना तो नहीं देख रहे थे तुम, पीछे मुड़कर देखो है कोई भूत, सब बच्चे तुम पर हंस रहे हैं, जाओ जाकर बैठो। राहुल जब पीछे मुड़ता है तो उसे सब कुछ पहले जैसा मिलता है और उसका दोस्त सोनू खूब हंसे जा रहा है। यार राहुल कितना डरता है तू, डरपोक कहीं का, चल आप बैठ पढ़ते हैं। राहुल परेशान मन से दोबारा आकर सोनू के बगल में बैठ जाता है और सामने देखकर पढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फिर वही भूतिया बच्चे दिखाई देते हैं। और वापस सोनू की तरफ मुड़ता है तो सोनू भी भूत बन चुका है। एक बार फिर राहुल टीचर की तरफ भागता है और चिल्लाता है, सर बचाइए, मुझे बचाइए।
लेकिन इस बार टीचर जैसे ही मुड़ता है तो राहुल के होश उड़ जाते हैं। अब टीचर भी भूतिया हो चुका है। राहुल वापस पीछे मुड़ता है तो सभी भूतिया बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में पीछे से टीचर राहुल का गला दबाकर उसे मार देता है। अब तू भी मेरा असली स्टूडेंट बन गया। और थोड़ी ही देर के बाद राहुल भी भूत बनकर सोनू के बगल में आकर बैठ जाता है। राहुल के पापा पोस्ट ऑफिस से घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि राहुल अभी तक ट्यूशन से घर नहीं आया, तो वो तुरंत सिंघानिया जी के घर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। उन्हें सिंघानिया जी का घर ऐसा लगता है जैसे यहां कोई नहीं रहता। कुछ दूरी पर एक बाबा बैठे हुए थे। राहुल के पापा उस बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी, ये सिंघानिया जी कहीं नजर नहीं आ रहे, आपने देखा है क्या? और इनका घर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। घर बदला बदला नहीं लग रहा है, ये घर पिछले 8 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो सिंघानिया साहब रहते हैं ना? रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते। अरे तो क्यों नहीं रहते? मैंने अभी कल ही उनसे बात की थी, उनका लड़का मेरे बेटे के साथ ट्यूशन पढ़ने गया था। राहुल के पिता की बात सुनकर बाबा समझ जाते हैं कि मामला क्या है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है बेटा, सिंघानिया और उनके बेटे को मरे 8 साल हो गए। बाबा, मेरा बेटा राहुल सिंघानिया जी के बेटे के साथ ट्यूशन पढ़ने गया था। राहुल के पापा बाबा के पैरों में गिर जाते हैं। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। अब बहुत देर हो चुकी है, ट्यूशन सेंटर पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये और किसी के साथ ना हो तो मैं उन भूतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं। राहुल के पापा सहमत हो जाते हैं। बाबा अपने गुरु को बुलाते हैं और तीनों लोग ट्यूशन सेंटर पहुंचते हैं। ट्यूशन सेंटर पहुंचने के बाद राहुल के पापा जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं टीचर ब्लैक बोर्ड पर खून से लिख रहा है। अंदर पहुंचते ही बाबा के गुरु बोलते हैं, बहुत हुआ तेरा अत्याचार मासूम लोगों पर, अब तुझे सबक सिखाने का समय आ गया है। बाबा के गुरु की बात सुनकर भूतिया टीचर हंसता है। न जाने कितने ही तेरे जैसे आए और गए, अब तू ही बाकी है, चल तू भी आजमा ले। इतना सुनते ही बाबा के गुरु आग बबूला हो जाते हैं और अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर टीचर के ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही कमंडल का जल भूतिया टीचर के ऊपर पड़ता है तो वो चिल्लाने लगता है और साथ ही साथ सारे भूतिया बच्चे जलते हुए चिल्लाने लगते हैं और थोड़ी ही देर के बाद सभी जलकर राख हो जाते हैं। शाम का वक्त था। मुकेश मोटरसाइकिल से अपने मामा के घर से वापस आ रहा था। रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है। जंगल में आते ही मुकेश को मामा की बात याद आती है कि आते वक्त मामा ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले जंगल को पार कर लेना। मुकेश अपनी घड़ी में समय देखता है। अरे अभी तो 5:30 ही बज रहे हैं, अंधेरा होने से पहले मैं तो घर पहुंच जाऊंगा। रास्ता जंगल के अंदर से होकर गुजरने लगता है। हालांकि रमेश भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा डर जरूर लग रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया। रमेश ने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर उसने अपना सिर पीछे घुमाया, लेकिन तब भी कोई दिखाई नहीं दिया। वापस मुकेश सामने देखते हुए मोटरसाइकिल चलाने लगता है कि तभी एक बार फिर किसी ने पीछे से हॉर्न बजाया।
इस बार मुकेश समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो बिना देरी किए अपनी मोटरसाइकिल तेज कर देता है और अब उसकी मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार में हवा से बातें कर रही थी कि तभी मुकेश देखता है सामने हिरण का झुंड सड़क पार कर रहा है। न चाहते हुए भी उसे अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। हिरणों के झुंड के निकल जाने के बाद जैसे ही मुकेश अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है तो पीछे से वही हॉर्न बजता है। मुकेश डर जाता है और एकदम से मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा देता है। अचानक स्पीड बढ़ जाने से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और मुकेश मोटरसाइकिल के साथ झाड़ियों में घुस जाता है। थोड़ी देर बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डॉक्टर और एक नर्स खड़े हैं। इन दोनों को देखकर मुकेश डर जाता है। अरे भाई अब डरो मत, मैं कोई भूत भूत नहीं हूं, डॉक्टर हूं और ये है मेरी नर्स। लेकिन आप लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? दरअसल हम लोग किशनपुर जा रहे थे, वहां हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है। आज शाम तक किसी भी हालत में पहुंचना था लेकिन देखिए हमारी गाड़ी बार बार धोखा दे रही है। हमने कई बार आपको हॉर्न दिया लेकिन आपने मोटरसाइकिल नहीं रोकी। तो मैं कोई मैकेनिक थोड़ी ना हूं जो आपकी गाड़ी ठीक करता। मुझे एक बात बताइए, जब आप मुझे रोकने के लिए हॉर्न बजाते थे और मैं पीछे मुड़कर देखता था तो आपकी गाड़ी दिखाई क्यों नहीं पड़ती थी? अरे भाई साहब वही तो खराबी है हमारी गाड़ी में, थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जा रही थी। जब चलती थी तो आपके पीछे आकर हॉर्न बजाते थे और हॉर्न बजाते ही गाड़ी बंद हो जाती थी। तो आपको अपने लोगों को फोन करके बुला लेना था, आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? देखिए भाई हम दोनों के फोन की बैटरी डाउन है ना, इसलिए हमने सोचा कि आप रुक जाओगे तो आपके ही फोन से किशनपुर फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लूंगा, लेकिन आप तो स्पीड बढ़ाए जा रहे थे। कमाल है सर, आप डॉक्टर और आप नर्स, मगर आप दोनों लोगों का फोन किसी काम का नहीं है। देखिए भाई साहब कृपया मदद करिए हमारी। इतना सुनने के बाद मुकेश को लगता है ये लोग सही बोल रहे हैं, इनको मोबाइल दे देना चाहिए। मोबाइल देने के लिए मुकेश नीचे पड़े अपने बैग को उठाने के लिए झुकता है तो देखता है कि इन दोनों के पैर उल्टे हैं। ये देखकर उसकी तो जैसे जान ही निकल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मामा जी ने क्यों देर से जाने पर मना किया था। डर के मारे मुकेश की हालत खराब हो जाती है, उसके चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। अपने आप को संभाल कर वो डॉक्टर से बोलता है, सर एक काम कीजिए, आप मेरी मोटरसाइकिल खड़ी करवाइए वरना सारा तेल गिर जाएगा और मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। मुकेश किसी तरह डॉक्टर से अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करवाता है और अपने बैग से फोन निकालने के लिए हाथ डालता है तो सोचता है, अरे यार क्या करूं जो इनसे बच के निकल जाऊं। तभी मुकेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। इनको ना दूसरा वाला फोन दे देता हूं, जिसको छोड़कर मैं भाग भी जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुकेश अपने बैग के दूसरी जेब से छोटा मोबाइल निकालकर भूतिया डॉक्टर को देता है। लीजिए आप इस मोबाइल से फोन लगाओ सर, जब तक मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके देखता हूं कि खराब तो नहीं हो गई। इतना कहकर मुकेश मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है। मोटरसाइकिल के स्टार्ट होते ही वो झटके से बैग उठाकर मोटरसाइकिल को तेजी से भगा लेता है। मुकेश को भागता देख डॉक्टर और नर्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और मुकेश का पीछा करने लगते हैं। मुकेश मोटरसाइकिल का पूरा एक्सीलेटर घुमा देता है, मोटरसाइकिल फुल स्पीड पकड़ लेती है और दोनों शैतान भी उतनी ही स्पीड में मुकेश का पीछा करने लगते हैं। दोनों बस मुकेश को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी मुकेश को दूसरी तरफ मोड़ पर हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर देखते ही मुकेश बिना देरी किए मोटरसाइकिल मंदिर की तरफ मोड़ देता है और मुकेश के मंदिर की सीमा में पहुंचते ही पीछे पीछे दोनों शैतान भी पहुंच जाते हैं।
लेकिन मंदिर की सीमा पर पहुंचते ही दोनों को एक जोरदार झटका लगता है और दोनों धू धू कर जलने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों शैतान जलकर राख हो जाते हैं। मुकेश खुशी से झूम उठता है और जय बजरंगबली कहता हुआ अपने घर के लिए निकल पड़ता है। कहानी जंगल का भूत। जंगल का राजा शेर रोज की तरह अपने शिकार की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। शेर का परिवार बहुत दिनों से भूखा है। उसका परिवार भी उसके पीछे पीछे शिकार की तलाश में चल पड़ता है। कुछ दूरी पर जाकर सभी पानी पीते हैं। अक्सर जानवर नदी के पास ही पानी पीने आते हैं, इसलिए शेर का परिवार नदी के किनारे ही शिकार की तलाश में बैठ जाता है। तब तक एक हाथी पानी पीने के लिए नदी के पास आता है। हाथी को देखकर शेर खुश हो जाता है और हाथी को मारने के लिए चल पड़ता है। हाथी और शेर आपस में लड़ने लगते हैं। हाथी भी शेर से कमजोर नहीं था। दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं और लड़ाई बराबरी पर छूटती है। हम लोगों ने तुम्हें जंगल का राजा चुना है, इस तरह लड़कर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, बहुत दिन से भूखा हूं मैं और शिकार करके खाना मेरी आदत है। जंगल के ताकत और जानवरों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपस में लड़कर मरने से अच्छा है हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। दोनों नदी में खड़े होकर बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी नदी के पानी के अंदर एक भूत मगरमच्छ का रूप बनाकर हाथी को पकड़ लेता है और पानी में खींचने लगता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है और हाथी घायल होकर असहाय हो जाता है। शेर का परिवार जब ये देखता है तो हाथी की मदद करने के लिए पानी में कूद पड़ता है और वो सब चारों तरफ से मगरमच्छ को घेर लेते हैं और उसके ऊपर एक साथ वार करते हैं। शेरों के सामूहिक वार से मगरमच्छ चिल्लाने लगता है। शेर उसे पानी से खींचकर बाहर निकालते हैं। हाथी शेर पर बहुत खुश होता है। आज तुमने मेरी जान बचाई, इस मगरमच्छ को मत छोड़ना, इसे मार कर खा जाओ। कुछ ही देर में मगरमच्छ एक विशाल राक्षस का रूप बना लेता है। पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी, इस जंगल में अगर तुम लोगों को रहना है तो मेरी बात सुनो। मैं इस जंगल का भूत हूँ और जंगल के सारे पशु पक्षियों को मुझे राजा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सभी को मार कर खा जाऊंगा। हम लोगों का राजा एक भूत नहीं हो सकता। तुम भूतों के राजा हो सकते हो, लेकिन जानवरों का राजा तुम्हें नहीं बनाया जाएगा। जिस दिन तुम जानवरों को मारना शुरू करोगे, तुम भी नहीं बच पाओगे। राजा होने की वजह से जंगल की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे मारने के बाद ही तुम किसी जानवर को नुकसान पहुंचा सकते हो। शेर, तुम जंगल के राजा हो, इसलिए मुझे प्रतिदिन एक जानवर खाने के लिए चाहिए, जो तुम्हें भेजना पड़ेगा। जिस दिन तुम जानवर नहीं भेजोगे, समझो उस दिन जंगल के सारे जानवर मेरे हाथ से मारे जाएंगे और उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। कल सबसे पहले मैं आऊंगा, तुम मुझको खा जाना, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे तो बस खाने से मतलब है, चाहे तुम आओ या फिर कोई और। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। उसके बाद शेर वहां से चला जाता है और सभी जानवरों की मीटिंग बुलाता है। जानवर शेर के सामने आते हैं तो शेर भूत और अपने बीच की सारी घटना को जानवरों को बताता है। देखो भाइयों, मैं अक्सर रात को घूमता हूँ और मैंने पुराने मंदिर के पास रात में साधना करते हुए बहुत सारे तांत्रिकों को देखा है, और तांत्रिक ही इस समस्या का हल निकाल सकता है, क्योंकि भूत हम सबसे नहीं मारे जा सकते, इसलिए हमें बिना समय गवाए तांत्रिक के पास चलना होगा। सभी पशु पक्षी उल्लू की बात मान लेते हैं और रात में ही तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। आगे आगे उल्लू और उसके पीछे जंगल के सभी पशु पक्षी तांत्रिकों के पास पहुंचते हैं। बहुत से पशु पक्षियों को अपने सामने देखकर तांत्रिकों के गुरु चौंक जाते हैं। क्या समस्या है? जंगल का राजा शेर तांत्रिक गुरु को सारी समस्या बताता है।
तुम इस ताबीज को ले जाओ। भूत के पास जो भी जाएगा वो इस ताबीज को पहन कर जाएगा। पानी वाला भूत जैसे ही उस जानवर को मारने की कोशिश करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। भूत शेर ने मुझे भेजा है, देख मैं आ गया, तू कहाँ है? खरगोश की बात सुनकर भूत खरगोश के सामने आता है और खरगोश को उठाकर जैसे ही खाने की कोशिश करता है जल के राख हो जाता है। इस प्रकार जंगल के भूत से जंगल के जानवरों को छुटकारा मिल जाता है।